मेरठ में एक कलियुगी पति ने अपनी पत्नी को पहले गला घोटकर मौत के घाट उतारा, हत्या के बाद उसका शव एक प्लॉट में दबा दिया। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए हत्यारे पति की निशानदेही पर महिला का शव बरामद किया और पति सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव के बाहरी छोर पर खाली पड़े एक प्लॉट से चार दिनों से गायब महिला का शव पति की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया है। शव की पहचान करते ही महिला के परिजनों में चीख पुकार मच गई। थाने पहुंचे परिजनों ने महिला की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर पुलिस ने उनको समझा बुझा कर शांत किया और शव का पंचनामा भरकर मर्चरी भेज दिया। पुलिस ने महिला के पति सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य अभी फरार है। पुलिस ने बताया कि 26 नवंबर की दोपहर थाने पहुंचे दिल्ली के शाहदरा के हर्ष विहार थाना क्षेत्र की रहने वाली साबरी बेगम ने बताया कि उनकी बेटी सिमरन ने आमिर पुत्र शाहिद से 2.5 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी। कुछ दिनों तक दिल्ली में साथ रहने के बाद आमिर उनकी बेटी को लेकर मेरठ के सरूरपुर हर्रा में आकर किराए के मकान में रहने लगा। आरोप है कि पति आमिर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और इसी को लेकर अक्सर लड़ता झगड़ता था। उसने कई बार उसे मारने की धमकी भी दी थी। बीती 25 नवंबर की रात में उसकी बेटी ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए उनको फोन भी किया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। 26 नवंबर की सुबह परिजन जब सरूरपुर हर्रा पहुंचे तो मकान पर जानकारी की तो वहां पर ताला लटका मिला। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पति आमिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने महिला की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए शव को जैनपुर गांव के बाहरी छोर पर खाली पड़े एक प्लॉट में दबाने की बात स्वीकार की है। रविवार को दोपहर बाद आमिर को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जमीन के अंदर से मिट्टी हटाकर महिला का शव बरामद कर लिया। सूचना पर थाने पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान अपनी बेटी सिमरन के रूप में की और वहीं पर चीख पुकार मच गई। मृतका के परिजनों ने हत्यारोपी पति और उसके साथियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। वहीं महिला के पति ने हत्या में शामिल अपने दोस्तों आरिफ निवासी अलीगढ़, नसीम निवासी जिला नू मेवात तथा बबलू निवासी जिला बागपत के नाम भी पुलिस को बताए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पंचनामा भरकर मर्चरी भेज दिया। ये डेड बॉडी मेरी बहन की है। मेरी बहन को धोखे से 23 तारीख को इन्होंने बुलाया कि तुझे घर पर रहते रहते बहुत दिन हो गए, तू यहाँ पे आ जा। फिर यहाँ पे आने के बाद उसे एक दिन पहले उससे यूँ कह रहा था कि तुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ लेके जाऊँगा मैं और जैनपुर में लेके जाऊँगा, उसके वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं रहते। फिर रात को मेरी बहन ने शायद उसे कुछ पता चल गया था कुछ, तो 3 बजे मेरे पास कॉल करी थी, उसके साथ मारपीट कर रहा था बहुत ज़्यादा। मेरी प्रशासन से यही मांग है, मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी तो मुझे मिलेगी नहीं, उसका बेटा कल फिर छूट जाएगा, लेकिन मेरी बेटी कहाँ से आएगी? हम मोदी जी ये कहते हैं योगी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बेटी कहाँ से लाऊंगा? मेरी बेटी दी जाए, मुझे प्रशासन से यही मांग है या इंसाफ करा जाओ, मेरे को फांसी दी जाए। जो 5 लोगों ने मेरी बेटी मट्टी में दबा दी, मेरी लाडो मट्टी में दबा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए।